अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहजहान टेक्निकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हाजिर दोस्तों एक नया टॉपिक के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप लोग IRCTC का अकाउंट बना सकते हैं अपना मोबाइल से। दोस्तों इस वीडियो में बने रहे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग ध्यान से देखना वीडियो को। मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग ये वीडियो देखने के बाद कोई भी और दूसरा वीडियो देखने का आप लोगों का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग IRCTC का अकाउंट बना के उसका काफ़ी सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं, सारा चीज़ आप इस ऐप के मदद से कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या प्ले स्टोर से IRCTC का ऐप डाउनलोड करके इसका सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं उम्मीद रखता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का 100% IRCTC का अकाउंट बन जाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गूगल में जाके आप लोग सिंपली लिख दीजिएगा IRCTC रजिस्ट्रेशन, लिख के आप लोग सर्च कीजिएगा। IRCTC रजिस्ट्रेशन लिखने के बाद दोस्तों आप सभी के सामने कुछ इस तरह का लिंक आएगा, देखिए www.irctc.co.in, इस लिंक को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग ओके कर दीजिएगा, अलाउ आएगा तो अलाउ भी कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए ऊपर में 3 डॉट वाला ऑप्शन है, 3 डॉट वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यूज़र आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको डालना होगा। आप अगर अपना नाम में रखना चाहते हैं अकाउंट में तो अपना नाम यहाँ पे यूज़र नेम लिख सकते हैं। तो चलिए ये जो है यूज़र नेम मैं बना रहा हूँ तो उनका नाम मैं डाल देता हूँ। देखिए मैं लिख दिया माहर 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर और एक नंबर में डालेंगे तो ये सही हो जाएगा। चलिए मैं 6 डाल देता हूँ, यहाँ पर 6 डाल दिया, ये बराबर हो गया। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा। देखिए दोस्तों पासवर्ड कुछ इस तरह का आप लोग डालिएगा तो एक चांस में ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद दोबारा कंफर्म के लिए पासवर्ड को आपको डालना है। तो चलिए मैं दोबारा पासवर्ड को फिल कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेफर लैंग्वेज, तो चलिए मैं प्रेफर लैंग्वेज को ड्रॉप डाउन करता हूँ। करने के बाद इंग्लिश यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ पे काफ़ी सारा क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। तो चलिए मैं ड्रॉप डाउन को पहले क्लिक करता हूँ। देखिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा व्हाट इज़ योर पेड नेम, तो मैं व्हाट इज़ योर पेड नेम वाला ऑप्शन को मैं चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद ये इसका जो टाइटल है वो टाइटल मैं सिक्योरिटी आंसर में दे दूँगा। तो चलिए मैं चूज़ कर लेता हूँ व्हाट इज़ योर पेड नेम, और सिक्योरिटी आंसर में मैं दे देता हूँ इसका जो टाइटल है, टाइटल में लिख देता हूँ। देखिए इसका टाइटल जो है साफ़ी लिख दिया। उसके बाद में कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। दोस्तों कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं पहले फर्स्ट नाम डाल देता हूँ, तो चलिए फर्स्ट नेम पहले फिल करता हूँ। दोस्तों फर्स्ट नेम डालने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है लास्ट नेम, तो चलिए मैं लास्ट नेम डाल देता हूँ क्योंकि इसका मिडिल नेम नहीं है, ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, लास्ट नेम मैं साफ ही डाल दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट ऑक्यूपेशन, तो मैं यहाँ पे ऑक्यूपेशन जो है जो काम करता है, देखिए ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों डेट ऑफ बर्थ डालने के यहाँ पे एक ऑप्शन है मेल फीमेल, तो चलिए मैं मेल पे टिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन है ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी आपका जरूरी है, आपका वैलिड ईमेल आईडी आपको डालना होगा क्योंकि ये अकाउंट बनाने के बाद ईमेल आईडी का बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि टिकट वगैरह आपको ईमेल आईडी पे ही सेंड किया जाएगा। तो चलिए मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको अपना फ़ोन नंबर डालना होगा, तो चलिए मैं फ़ोन नंबर भी डाल देता हूँ। दोस्तों फ़ोन नंबर डालने के बाद अपना नेशनलिटी जो है इंडिया, मैं इंडिया यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। इंडिया चूज़ करने के बाद नीचे एक ऑप्शन है कंटिन्यू, तो चलिए मैं कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपका एड्रेस वेरीफाई करना होगा। देखिए यहाँ पे फ्लैट नंबर या डोर नंबर या ब्लॉक नंबर, तो जो भी आपका आधार कार्ड में रहेगा आप डाल दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फ्लैट नंबर या डोर नंबर ब्लॉक नंबर में डाल देता हूँ अपना जो आधार कार्ड में है। डालने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है स्ट्रीट और लेन, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो भर सकते हैं, आप नहीं चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मैं भर देता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों एरिया लोकेलिटी, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो फिल कर सकते हैं, तो चलिए मैं फिल ही कर देता हूँ। उसके बाद पिन कोड नंबर भी आपको डाल देना है। आप
आपका आधार कार्ड का पीछे जो पिन कोड नंबर है वही पिन कोड नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। पिन कोड नंबर डालने के बाद आपका जो स्टेट है स्टेट में डाल देता हूँ, स्टेट बिहार डाल दिया। उसके बाद सेलेक्ट सिटी, सिटी में मैं डाल देता हूँ बेगूसराय। दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस को ड्रॉप डाउन किया और पोस्ट ऑफिस को चूज कर लिया। पोस्ट ऑफिस चूज कर लिया उसके बाद मोबाइल नंबर दोबारा फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद दूसरा ऑप्शन है कॉपी रेसिडेंट टू ऑफिस एड्रेस, येस और नो। अगर आप कोई ऑफिस में काम करते हैं तो नो करके ऑफिस एड्रेस लिखना होगा, नहीं तो आप येस कर दीजिएगा। तो चलिए मैं येस कर देता हूँ। उसके बाद ये कैप्चा जो है आई एम नॉट अ रोबोट, इसमें टिक कर दिया। टिक करने के बाद दूसरा जो है आई हैव रीड एग्री विथ टर्म एंड कंडीशन, इसमें टिक कर दिया। उसके बाद सब कुछ सारा डिटेल्स में चेक कर लिया। उसके बाद रजिस्टर बटन को मैं क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए ये यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, देखिए ये मैसेज भी आ गया ओटीपी। अभी मैं दोबारा थ्री डॉट में जाएंगे, थ्री डॉट में क्लिक करेंगे, करने के बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यूजर नेम में जो बनाया, अभी यूजर नेम में डाल देता हूँ यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ। यूजर नेम पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के मैं देखता हूँ क्या होता है। कैप्चा डाल दिया, उसके बाद मैं साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद देखिए मोबाइल एंड ईमेल वेरिफिकेशन प्रोसेस, यानी आपको मोबाइल और ईमेल वेरिफिकेशन करना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है वेरीफाई मोबाइल विद ओटीपी, तो मैं पहले मोबाइल को वेरीफाई, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे, तो मैं वेरीफाई मोबाइल विद ओटीपी वाला बटन को क्लिक कर देंगे। टिक करने के बाद मेरा मोबाइल में ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देंगे, फिल करके सबमिट कर देंगे। देखिए ओटीपी आ गया, अभी मैं इसको फिल करता हूँ। फिल करने के बाद मैं सबमिट ओटीपी कोड में टिक करता हूँ। देखिए ओटीपी थोड़ा गलत हो गया। ओटीपी डालने के बाद मैं सबमिट पर क्लिक करेंगे, देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अभी मेरे को वेरीफाई ईमेल आईडी विद ओटीपी में टिक करेंगे, करने के बाद ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए टिक करता हूँ, थोड़ा वेट कीजिए, अभी मेरे आप लोगों को लेकर चलता हूँ ईमेल आईडी पे, जाके ओटीपी यहाँ पे फिल करके सबमिट करेंगे तो मेरा ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगा। देखिए ओटीपी लिख दिया हूँ, अभी सबमिट पर क्लिक करेंगे, देखिए ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप पहली बार अकाउंट बना रहे हैं IRCTC का, तो उसके लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई होना जरूरी है फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद दोबारा जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका सक्सेसफुली अकाउंट बन चुका है। आप इसके मदद से आप ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, PNR स्टेटस, सारा चीज आप इसके मदद से कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको लॉगिन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं लॉग आउट कर देता हूँ पहले, उसके बाद फिर इसको लॉगिन करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लिक हेयर, इसमें मैं टिक करेंगे, उसके बाद मैं लॉगिन हो जाएंगे। और दूसरा बात ये है दोस्तों, प्ले स्टोर में जाके IRCTC का ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और पूरी तरीके से समझ में आ गया। तब भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, मेरे को कमेंट करना, मैं आप लोगों का आंसर दे दूंगा। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो आके देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन को ऑन कर देना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।